एक जो आम राय पाई जाती है कि आपकी जो अप्रैल से लेके अब तक जो मुसलसल जो इलेक्शन की तरह की मुहिम चल रही है, जो आप लोगों को इलेक्शन की तरह का एक माहौल बना के रखा हुआ आपने, उसमें ये लग रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो हुकूमत कोई मौशी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही और ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस को ऐड कर रहा है मौशी तौर पे। वो आपको ब्लेम करते हैं कि आप उन्हें मईशत के हवाले से उनसे कोई तावन नहीं कर। उनसे सवाल पूछे कि उन्होंने क्यों गवर्नमेंट ने साजिश करके हमारी गिराई थी, जबकि 17 साल में आप पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें, 17 साल में जो सबसे बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस किसी हुकूमत वो हमारी थी, तो हम कौन सी कोई गलती कर रहे थे जो इन्होंने साजिश करके आर्मी चीफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट गिराई है और उसके बाद इनसे संभाली नहीं गई। मैंने जनरल बाजवा को, मैंने और शौकत तरीन ने वाज़ह तौर पर बताया था कि अगर आज आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज कर दी ये साजिश कामयाब करने के लिए, ये संभाल ही कोई भी नहीं संभाल सकेगा और वही हुआ। इनसे संभाली नहीं गई, मार्केट्स ने इनके अंदर जल्दी से कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, ये अपनी चोरियां और एनआरओ 2 ले रहे थे, मुल्क के अंदर कैओस आना शुरू हो गया। तो आज जरा बिजनेसमैन से तो पूछे कि ये क्या हमारी वजह से हुआ है या इन्होंने आते साथ ही मार्केट्स को ये एक अंदाज़ा हुआ कि इनके पास तो रोड मैप ही कोई नहीं है, रोड मैप तो एनआरओ 2 था, तो इन्होंने आके जो किया मुल्क के साथ। मैं तो सवाल ये पूछता हूँ कि जो जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलके किया है, दुश्मन बिना पाकिस्तान से करता, आज उठा के देख ले कि अप्रैल में पाकिस्तान किधर खड़ा था, आज किधर खड़ा है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से नहीं हुआ। मेरी दफ़ा 3 उन्होंने लॉन्ग मार्चेस की थी, 3 दफ़ा लॉन्ग मार्चेस की थी, सारा वक्त इन्होंने हमारी गवर्नमेंट की तनकीद की, उसके बावजूद हम तरक्की कर रहे थे।